कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा, कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। ओढ़ के चादर तू गुरूर की, ओढ़ के चादर तू गुरूर की, देता अपने आप को धोखा, कौन कहा कौन जैसे वो आरसी के कब्जे में ठीक 24 आवर्स बाद यानी 24 घंटे बाद वो हमारे कब्जे में होगी, ये मेरा वादा है। बात ये है कि अंकल आंटी भी कलकत्ता गए हैं और भावना शाम को अपने किसी दोस्त के साथ बाहर जा रही है, तो आप घर पर ही आ जाइए, हम अकेले में इत्मीनान से बात कर सकते हैं। हाथों की रेखाएं और खून के रिश्ते ना मिटाने से मिटते हैं ना छुपाने से छुपते हैं। दफन तो हो सकता है, दफन इस इंडस्ट्री में वही टिक सकता है जो सही वक्त पर सही फैसले लेता है। घर छोड़ेंगे या नहीं, आपका समय शुरू होता है अब। वीरू जी मैं तैयार हूं। सच हो, आपने तो मेरी टेंशन ही दूर कर दी। अब आप देखिए, आपको टॉप स्टार बनने से कोई नहीं रोक सकता, आप तो टॉप की हीरोइन बन के ही रही। मैं तनवानी जी को अभी फोन लगाता हूँ आपके सामने, देखिए अभी बात हो जाएगी। हेलो तनवानी जी, मैं बोल रहा हूँ, कैसे हैं आप? अच्छा तनवानी जी, जिस लड़की को आपको साइन करने में प्रॉब्लम हो रही थी ना, वो प्रॉब्लम दूर हो सकती है, लेकिन उस लड़की की एक शर्त है। आपके लिए तो ये छोटी सी बात है, बस सिर्फ 50 लाख रुपए और एक वेल डेकोरेटेड फ्लैट, और ये दोनों चीजें जो हैं इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट होनी चाहिए। अरे क्या बात कर रहे हैं आप, ऑफ कोर्स हम पूरी तरह से कॉपरेट करेंगे, ठीक है। हम कल शाम को 4 बजे आपके ऑफिस आ रहे हैं, आप कैश, फ्लैट की चाबी, उसके कागजात और कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स रेडी रखिएगा, आप पहुंच जाएंगे। ओके थैंक यू। कल ही? अरे मैडम 50 लाख रुपए, साथ में 1 बेडरूम हॉल का वेल फर्निश्ड फ्लैट, और आपको क्या क्या चाहिए, वो भी 24 सेकंड में? अब आप तो उड़ने लगी है, उड़ना आपको कहां तक है इसका फैसला आपको करना पड़ेगा। मैं ये खुशखबरी तीनों प्रोड्यूसर को देकर आ रहा हूं, आप कल 3 बजे तक रेडी रहिए। ओके मैं चलता हूं। नया घर नई जिंदगी आपका इंतजार कर रही है। गुड नाइट। गुड नाइट। वाह जिंदगी वाह, क्या क्या खेल खेल रही है तू मेरे साथ। केके साहब ने कहा 24 घंटे में हाँ या ना कहो, और मैंने हाँ कह दिया और जिंदगी का नक्शा ही बदल गया। और अब वीरू जी ने 24 सेकंड दिए हाँ या ना कहने के लिए, और फिर से मैंने हाँ कह दिया, और अब शुरू हो रही है फिर एक नई जिंदगी। ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, एक खूबसूरत सपना है या नहीं, खूबसूरत हकीकत। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा।
मॉर्निंग। कहो, कल कैसा रहा? बिजलियों से कोई घायल हुआ भी या नहीं? क्या बताऊं यार, कल की शाम मेरी जिंदगी की सबसे हसीन शाम थी। I can't explain। पर तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? हाँ, ऐसा लग रहा है कि पूरी रात सोई नहीं। क्या हुआ? भावना, एक तेरी जिंदगी है जहाँ दूर दूर तक बस खुशियां ही खुशियां है। मम्मी डैडी का प्यार, भाई का प्यार, दौलत, शान और एक प्यार, प्यार करने वाला तेरा स्वीटी पाई। एक मेरी जिंदगी है जो दुखों, तनाव और चुभनों से भरी है। शोहरत और दौलत की कीमत पर मुझसे वो सब कुछ छिन गया जो तेरे पास है। ये सुबह सुबह तुझे क्या हो गया है? ऐसी बातें क्यों कर रही है तू? भावना, आज मैं ये घर छोड़कर जा रही हूं। क्या घर छोड़ रही है? क्या क्या हो गया है तुझे? वही जो कुछ महीनों पहले एक और मंदिर जैसा घर छोड़ते हुए हुआ था, मेरे मम्मी पापा का घर। पर उर्वशी, उसके पीछे कारण था, लेकिन हमारे घर को इस तरह से अचानक छोड़ना, और अभी इस वक्त मम्मी डैडी भी घर पे नहीं है, तो इतना बड़ा फैसला ऐसे कैसे कर सकती है उर्वशी? यार, तू एकदम से इतनी सीरियस क्यों हो गई? सिर्फ घर से जा रही हूँ, तू, अंकल, आंटी मेरे दिल में हमेशा रहोगे, और मैं कब तक तुम लोगों को डिस्टर्ब करती रहूंगी? तुम जानती हो ना, मेरी प्रोफेशनल लाइफ, लोगों का आना जाना रहता है, फिल्मी माहौल, इतने सारे झंझट, मैं तुम लोगों को और परेशान नहीं करना चाहती। पर अचानक तू जाएगी कहाँ? एक प्रोड्यूसर ने साइनिंग अमाउंट के साथ फ्लैट भी दिया है, लोखंडवाला में, आज ही शिफ्ट करना होगा। कम से कम डैडी को तो आने देती, उनकी राय लेती, इतना बड़ा फैसला और अचानक। शायद उनके सामने इस घर को छोड़कर जाने का मैं सोच भी नहीं सकती। उनका प्यार मुझे रोक लेगा। लेकिन भावना, प्लीज प्लीज तुम अंकल को समझा देना। साफ साफ क्यों नहीं कह रही है उर्वशी कि तुझे फ्रीडम चाहिए? तो अब स्टार बन गई है ना? जिसे वक्त अपनी उंगलियों पर नचा रहा हो, भला उसे फ्रीडम कैसे मिल सकती है? मैं तो अब गुलाम वक्त की, जहां ले जा रहा है वही जा रही हूं। I hope you understand। लीजिए, आ गए आपके साहबजादे। आइए देवदास, आइए। भाई आपकी पारो तो उड़ गई। अफसोस, जैसे हम इस खानदान की इज्जत आबरू बनाना चाहते थे, वो तो आजकल सिनेमा हॉलों की जीनत बन गई। अब तो समझिए दुनिया को। यही सुनाने के लिए बुलाया था आपने मुझे? नहीं, आज जो मैं तुमसे कहने जा रहा हूं उसे कान खोलकर अच्छी तरह से सुन लो। मैं आज रात की फ्लाइट से यहां से जा रहा हूं। कहां जा रहा हूं ये नहीं बता, लेकिन इतना तय है कि इस शहर में हमारी ये आखिरी मुलाकात है।
बहुत उम्मीद थी, बहुत उम्मीद थी उर्वशी से कि शायद वो तुम्हें रास्ते पर ले आए, शायद वो तुम्हें दुनियादारी सिखा दे। लेकिन तुम्हारे जैसे खोखले आदर्शों में जीने वाले पागल इंसान से आखिरकार उसने भी अपना पल्लू झाड़ी। मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आती। डैड, कई सालों से मैं अपने आप से एक प्रश्न पूछ रहा हूं, आज आपसे उस प्रश्न का जवाब चाहता हूं। आपने मेरा नाम चित्रांश क्यों रखा? ये नाम तुम्हें मैंने नहीं दिया है, तुम्हें ये नाम तुम्हारी स्वर्गवासी मां ने दिया है। पर इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं भी यही सोचता था कि मेरा नाम रखने वाली जरूर कोई महान आत्मा होगी, पर अब मुझे समझ में आया कि मेरी देवी माँ ने मेरा नाम चित्रांश क्यों रखा। अच्छा भाई, हमें भी तो पता चले कि आपकी देवी जैसी माँ ने आपका नाम चित्रांश क्यों रखा। इसीलिए रखा क्योंकि वो जानती थी कि उनका पति अपने पापों का भंडार बढ़ाता जाए, और वही हुआ। आप शायद नहीं जानते, लेकिन डैड अच्छी तरह जानते हैं कि चित्रांश का मतलब क्या होता है। क्योंकि वो बात पूरी करो चित्रांश, क्योंकि वो स्वयं चित्रांश है, ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति महाराज चित्रगुप्त जी का अंश। अब ये मत पूछिएगा कि कौन चित्रगुप्त। ऑफ कोर्स आई आस्क, कौन चित्रगुप्त? वही महाराज चित्रगुप्त जो हर इंसान के ऊपर अपनी निगाहें गड़ाए हुए, वही चित्रगुप्त जो हर इंसान के हर एक पल का पाप का पुण्य का लेखा जोखा रखते हैं। डैड, जो आपके पापों का भी लेखा जोखा रख रहे हैं, यहाँ की अदालतों से तो आप बच जाएंगे, पर जब आपका सामना मृत्यु के पश्चात चित्रगुप्त जी से होगा, और वो धर्मराज के सामने आपके पापों का लेखा जोखा रखेंगे, और वो दंड देंगे। वो क्या दंड देंगे सोचिए डैड, वो दंड क्या होगा? और तब आप किससे बचेंगे? अब आपकी पाप की कमाई भी आपको नहीं बचा पाएगी, और तब आपको एक ही चीज बचा सकती है, वो है पुण्य, पुण्य और सिर्फ पुण्य। उसका संग्रह कीजिए डैड, उसका। ये चित्रांश तो बेवकूफ है, कुछ नहीं हो सकता है इसका। मुझे बताता है पाप क्या है, मुझे बताता है पुण्य क्या है। नादान है। पाप पुण्य का लेखा जो अच्छी नहीं लगती। मुझे तेरा जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है उर्वशी।
अब इतनी बड़ी घर में मैं अकेली हो जाऊंगी। उर्वशी, तू मेरी बहन दोस्त दोनों ही थी ना। सोच ले, एक बार फिर से सोच ले उर्वशी, कहीं तू भी कोई नई परेशानी में ना पड़ जाए। सोचना उर्वशी। अरे भावना, मैं लंदन, अमेरिका, कनाडा थोड़े ही जा रही हूँ, यही मुंबई में ही हूँ। और सोच, अब तेरा एक घर नहीं दो दो घर होंगे। जब जी चाहे घर आ जाना, हम बैठकर खूब बातें करेंगे। और ये तेरा मोबाइल सिर्फ तेरी स्वीटी पाई को फोन करने के लिए है क्या? कभी कभार मुझे भी फोन कर देना, ठीक है? और भावना, कभी कभी पास रहकर भी इतना प्यार नहीं होता जितना दूर रहकर महसूस होता है। और हमारे बीच की ये थोड़ी सी दूरी हमारे प्यार भरे रिलेशनशिप को और बढ़ाएगी, देखना। तो वीरू जी मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे चलना होगा। लेकिन भावना प्लीज, अंकल को संभाल लेना, उन्हें समझा लेना, ओके? और तुम अपना ख्याल रखना। तू भी, और कभी कुछ भी प्रॉब्लम हो मुझे फोन करना मत भूलना। पगली, स्वीटी पाई का फोन प्यारा है, पर मेरी उर्वशी वो भी क्या कम प्यारी है। चलो मैं, टेक केयर। यू आल्सो टेक केयर। मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी। ठीक है, अपना ख्याल रखना, तुम भी। अरे अशोक बाबू, मैं बहुत बड़ी फिल्म लॉन्च करने जा रहा हूं, मालूम है? धनवानी साहब, अरे अचो साईं, अचो, सुस्वागतम, आओ 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 आओ। अचो 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 अचो, उर्वशी, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। Thank you very much. अभी मैडम आपके चरण हमारे ऑफिस में पड़े हैं ना, देखना अभी हम लोग को फिल्म अवार्ड क्या हॉलीवुड के साथ कोलैबोरेशन फिल्म भी मिल जाएंगी। दरअसल ये हमारे तनवानी जी का स्टाइल है, इन्हें हमेशा खूबसूरत फूल पसंद है और तोहफा हमेशा याद करने के लिए दिया जाता है। आप इन फूलों को अपने ड्राइंग रूम में रख लीजिएगा, ये कभी मुरझाएंगे नहीं और ना ही इन्हें फेंकने की नौबत आएगी। और खुशबू इंसान के अंदर की खूबसूरती है, वो इंसान को तरोताजा रखती है। मैं कुछ ज्यादा तो नहीं बोल गया? मीटिंग शुरू करें। अरे यार, तुम तो अच्छा डायलॉग बोल लेता है। अरे तुमको तो राइटर होना चाहिए था, राइटर नहीं, तुमको तो डायरेक्टर होना चाहिए था। देखो जी मैडम, ये है अपना एग्रीमेंट, okay. और ये है वो फ्लैट की चाबी, और अपने जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुआ था ना 50 लाख का, है? सारे पेपर में साइन करना है। ओके। okay.
थैंक यू। अब एग्रीमेंट साइन हो गया, देखो अभी अपना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। ये आपका 50 लाख माल, ये आपकी फ्लैट की चाबी। मुबारक हो। हर इंसान का अक्स वहाँ पर, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा। हाजिरी सबकी लगती एक दिन, एक पल में ही फैसला होता। कौन कहाँ कौन कहा?